Hello everyone, my name is Lucifer Morningstar. Today I'm gonna tell you about you how to get blue tick on your Instagram account. So ये mandatory नहीं है कि आप एक superstar हो, आप एक celebrity हो या तो एक top level के businessman हो कि आपको तभी Instagram का blue tick मिलेगा. ये mandatory नहीं है. अगर आपके profile में बहुत सारे लोग visit करते हैं, आपके bio को देखते हैं, आपके जो post है उनको like करते हैं, उनको और स्क्रॉल अप करके देखते हैं, तो आपको तभी भी इंस्टाग्राम अकाउंट में ब्लू टिक मिल सकता है. ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आप एक कोई सेलिब्रिटी होने चाहिए. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन. सो यहाँ पे हम अपनी फ़ोन की स्क्रीन में आ गए हैं. तो फर्स्ट हमको आपको क्या करना पड़ेगा, अपना इंस्टाग्राम ओपन करते हैं. इंस्टाग्राम ओपन करने के बाद यहाँ हम अपनी प्रोफाइल में जाएंगे. प्रोफाइल में थोड़ी लोडिंग हो रही है. फिर प्रोफाइल में जाने के बाद आपको 3 लाइंस दिख रही है लास्ट में. ऊपर क्लिक देन सेटिंग, ओपन योर सेटिंग एंड अकाउंट्स. अकाउंट्स पे क्लिक करने के बाद आपका स्क्रॉल अप पे जाओगे तो आपको रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन आएगा. उस पर क्लिक करने के बाद ये आपके लोडिंग होगा. फिर मैंने आपको बताया जितने ज़्यादा से ज़्यादा विजिट होंगे आपके प्रोफाइल में, तभी आपको उतने ज़्यादा चांस होंगे कि आप इंस्टाग्राम को अपने अकाउंट में ब्लू टिक पा सकते हो. तो अब ये हम अपने मैं अपने फेसबुक से लॉगिन है तो मेरा फेसबुक से कनेक्ट कर देता हूँ. ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ज़्यादा ज़रूरी नहीं. अगर आपको कोई अपना इंस्टाग्राम का आईडी पासवर्ड पता होता आप उससे भी लॉगिन कर सकते हैं. अगर मेरे को नहीं पता था क्योंकि मैं अपना फेसबुक से लॉगिन था तो मैंने फेसबुक से कर दिया. टाइमिंग वांट देन अब प्रोफाइल में जाके जाने के बजाय बैक कर दीजिए. यहाँ पे बैक आ गए. हम दोबारा रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन में क्लिक करते हैं. देन उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरा ऑटोमेटिकली यूज़र नेम आ गया है. तब मैं अपने यहाँ पे अपना ओरिजिनल नेम डालूँगा. यहाँ पे मेरा ओरिजिनल नेम अंकित रावत. तो ये मेरा ओरिजिनल नेम डाल दिया मैंने. एज नाउ मैं वो डालूंगा जो मेरा प्रोफेशन है. जो आपको प्रोफेशन हो एज नाउ में आप वो डाल लीजिएगा. लाइक मैं आई एम अ व्लॉगर एंड कैटेगरी. एंड कैटेगरी में आपकी जो भी कैटेगरी है, व्लॉगर एंड इन्फ्लुएंस मेरी. देन लास्ट स्टेप रह जाएगा हमारा चूज फाइल. चूज फाइल में आपको आईडी प्रूफ डालनी पड़ेगी अपनी. लाइक मैं अपना आधार कार्ड यहाँ पे अपलोड करूंगा. मेन होता है आपका आधार नंबर और नाम. सो मैंने यहाँ पे अपने डाल दिया है. देन उसके बाद एक बार चेक कर लीजिए. आपका यूज़र नेम होना चाहिए जो आपके अकाउंट में होगा. आपका फुल नेम एज अ आपका प्रोफेशन क्या है, कैटेगरी क्या है. देन सबमिट. देन सबमिट करने के बाद आपको 15 से 10 दिन यहाँ पे वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट सबमिटेड आ गया है. इंस्टाग्राम टीम आपको 15 से 10 दिन बाद आपको रिवर्ट बैक भेजेगी. फिर आपको पता चलेगा कि आपका इंस्टाग्राम वेरिफिकेशन हुआ है या नहीं हुआ. तब को आपको 10 से 15 दिन के अंदर पता चल जाएगा इसका. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग.